तो आप देख सकते हैं बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं और कह रही हैं कि पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते उन्हें काफी परेशानी हो रही है और बच्चों के रिश्ते तक नहीं हो रहे हैं। हमारी पानी फेंकने की दिक्कत है जी, हम डिब्बे में भर भर के दूर फेंक कहते हैं, वहाँ पे भी पानी फेंकने को जगह नहीं है, हम सड़क पे फेंकते हैं, सड़क पे फेंक के तो आंधे जानते हुए भी उनको भी चोट लग जाती है, गाड़ियाँ मिलती है। कितने समय से दिक्कत आ रही है? हमें 40-50 साल से। अच्छा, हाँ। तो किसी को बोला नहीं? किसी ने नहीं बोला जी। कोई सरपंच को था, किसी को बोलना था भाई, कोई सुनाई नहीं करे। क्यों नहीं सुनवाई करते? क्या कर रहे हैं, जैसे आप खड़े भाई वोट नहीं देते, वोट नहीं देते, फिर क्या कर रहे हैं? कह देते हैं बनवा देंगे, बनवा देंगे, कर देंगे, बस सरपंच की भी देवा है। ये कह कदारी लंबे समय से रिश्ते नहीं हो रहे हैं बच्चों, नहीं हो रहे, नहीं हो रहा, उनको पढ़ने भी जाते हैं वो नहा धो के नहीं जाते। अच्छा, इसी हाथ से गंदे पानी फेंकते हैं और इसी हाथ से पानी फेंकते हैं, इसी हाथ से रोटी भी बनावा है, भी है, आज निकल जाए कल को नहा लेंगे, पानी फेंकना पड़ता है। हमारी जोड़ के विनती, हमारी गंदा नाला की सुविधा करें। किससे मिलने पहुंचे आज? डीसी से। क्या बोले डीसी? पानी वास्ते कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे, टाइम लगेगा, कर देंगे। पहले नहीं कभी आए थे मिलने? नहीं आए थे। गाँव के किसी सरपंच को, पंच को, किसी को नहीं बोला? वोट गया, हमने तो सरपंच की भी वोट दे दी, सरकार की भी वोट दे दी, सरकार देखो नई सरकार आई है, यो करेगी जो करेगी बस। अच्छा, हाँ, हमने तो सबसे ज्यादा पानी की दिक्कत है, सुनवाई नहीं कर रहा कोई, कोई नहीं कर रहा, ये भाई जो नई सरकार कर दे हमारी, अब आगे तभी बीमारियां फैल रही है, उन्हीं हाथ से खाते, उन्हीं हाथ से पानी गंदा सारा कुछ, सब गंदा पानी। आपको 20 साल हाथ में पानी फेंकना पड़ता है? मेरे बउआ गाली दे भाई। अच्छा, हो रही भाई, चले नहीं जाता। अच्छा, अब लगता है कि गलती कर ली बहुला आगे, और क्या गलती कर दी, बहुत ज्यादा बहुला आगे, ये आगे जो से बच्चे उनका कोई शादी नहीं करता, उनका पानी फेंकना पड़ता है। कितने घर हैं लगभग वहाँ पे? 20-25 घर है। अच्छा, सारे ऐसे परेशान है? हाँ, सब सब परेशान है, पक्की सड़क है, जीटी रोड है, उस पे गए जो सड़क जाए मोटरसाइकिल जो गिर जाए गाली देते हैं, गाली देंगे हमारे घर के भी, गाली देते बाहर के भी देते, जो गिरेंगे तो गाली देंगे भाई, जो गिरेंगे तो गाली देंगे, और क्या कसूर है। सरपंच साहब, आप इनके साथ आए हो, लगता है सुनवाई होगी क्योंकि खर्चा काफी बड़ा लगता है। ये जो देखो, इनको 40-45 साल से ये दिक्कत है, डेरे की निकासी नहीं है, डेरे का पानी इनको सुबह सारे दिन का पानी इकट्ठा करके ये एक डिब्बे में इकट्ठा करती है, नाली में रख के, और फिर शाम को उसको भेजती है, फेंकती हैं बाहर सड़क पे फेंकती हैं। अब सड़क पे फेंकने में भी लोग इतराज़ करते हैं। अब मैं तो ये कहता हूँ कि आज़ाद देश में आज ये लेडीज या इनके बच्चे, इनके घरवाले अपनी आज़ादी से नहा धो भी नहीं सकते। मैं तो अभी सरपंच बनाऊँ, 1-1.5 साल हुआ है टेन्योर को, मेरे गांव की इतनी इनकम नहीं है कि मैं 15-20 लाख का प्रोजेक्ट है उस नाले को उसकी निकासी करवा दूँ। तो आज डीसी साहब से मिले हैं इनके बाबत, ये 3-4 दिन से मेरे पास आ रही हैं क्योंकि अभी इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो मैं डीसी साहब से मिला हूं, तो डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि टाइम तो लगेगा लेकिन इसका समस्या का समाधान किया जाए। सरकार स्वच्छ भारत अभियान का नारा देती है, लगता है कि कहीं ना कहीं वो लागू है छोटी जगह पर? देखो जी, अगर मैं बात करूं तो इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देखो, सरकार दावे तो करती है, ठीक है, काम भी किए हैं, लेकिन इन तक वो चीज़ नहीं पहुँची है। तो अभी हम परेशान होकर इनकी परेशानी को देखते हुए मैं भी आज डीसी साहब से यही आश्वासन लेने आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है, तो देखते हैं अभी क्या होता है।